हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद अभिलक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी और बहुत ही सिंपल वे में हम इस कटिंग को करेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े को डबल फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब इस कपड़े को मैं यहाँ से काट लेती हूँ, जिससे काटने में थोड़ी सी इसे आसानी होगी। और मैंने कपड़े को अलग कर लिया है। तो हमें किसी भी कुर्ती को बनाने के लिए दो तीन चीज़ चाहिए, तो कुर्ती की लंबाई और उसका हिप अराउंड। तो कुर्ती की लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है 40 इंच और हिप अराउंड हम मैंने 11, मतलब ये जो कपड़े की चौड़ाई ली है मैंने 11 इंच लिया है, 11 इंच। अब जो बंद वाला साइड मैंने अपनी तरफ रखा है कपड़े का, अब हम सबसे पहले इसका नेक कटिंग करेंगे। नेक कटिंग में आपको ये ध्यान देना होगा, यदि आप बोट नेक बना रहे हो या फिर कॉलर नेक बना रहे हो तो आपको आधा इंच फालतू लेना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुर्ता नेक बना रही हूँ। मैंने यहाँ लिया है 6.5 इंच और ये देखिए मैंने शोल्डर के लिए लिया है 7 इंच। इस लाइन को हम इस तरह सीधा कर देंगे। अब यहां से हम लेंगे अब आगे 6.5 इंच और इसको भी हम सीधा कर देंगे और फिर हम दोबारा लेंगे 6.5 इंच और इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। यह हमारी हिप लाइन होती है। अब ये देखिए, यहाँ मैं ले रही हूँ 36 साइज के लिए मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर 9 इंच हमारा बैठता है, तो 2 इंच मैंने लूजिंग के लिए लिया है, तो 11 इंच मैंने ये कपड़ा लिया था, इसी उसमें मैंने ये कपड़ा 11 इंच कटिंग की है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं लूँगी 1.5 इंच, हमारा बस्ट लाइन से कम होता है कमर का एरिया, तो ये हमारा हो गया 1.5 इंच कम। तो यहाँ और यहाँ हम लेंगे 36 के हिसाब से, मैंने 2 इंच लूजिंग लिया है हिप लाइन भी। तो ये देखिए, इस तरह हम इस तरह गोलाई दे देंगे और अब हम शोल्डर को गोलाई देंगे। शोल्डर की गोलाई हमारी जो पीछे की गोलाई हो रही है यहाँ पर, यह आप 1.5 से 2 इंच यदि देंगे तो यह आपका जो शोल्डर है पीछे से खिंचेंगे नहीं। और यहाँ पर हम देंगे 1.25 इंच का और अब मैं पीछे का नेक कटिंग कर रही हूँ। पीछे का नेक मैं 1 इंच की कटिंग कर रही हूँ, 1 इंच, और चौड़ाई है हमारी 2.5 इंच। वह आपके अकॉर्डिंग है, आप यदि ज़्यादा नेक पहनना चाहते हैं, डीप नेक पहनना चाहते हैं, तो पीछे का आप ज़्यादा भी करना चाह सकते हैं। तो मैंने ले लिया है लेकिन 1 इंच और अब मैं इन मार्क के हिसाब से ही कटिंग कर लेती हूँ। अब हम आगे के निशान भी लगा लेते हैं शोल्डर का, तो यह 1/2 इंच, ये देखिए 1/2 इंच हमें इस तरह निशान लगाना और इस तरह गोलाई हमको देनी है, यह हमारे आगे के शोल्डर के लिए है। तो हम सबसे पहले तो पीछे के शोल्डर की ही कटिंग करेंगे। यदि आपको कहीं से कंफ्यूजन हो रही है, यदि कहीं से आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और इसे भी मैं अलग कर देती हूँ यहाँ से। और ये देखिए, हम पीछे वाला एरिया है वह अलग कर देंगे और जो आगे वाला पर्दा है कुर्ती का, अब उसे रखेंगे हम। अब इसमें हमें शोल्डर की कटिंग करनी है और हमारे नेक की कटिंग करनी है। इस तरह हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई। अब नेक की कटिंग करने के लिए यह यहाँ से हम चौड़ाई तो 2.5 इंच ही लेंगे, क्योंकि हमने 2.5 इंच लिया था पीछे, और यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच लिया है क्योंकि 1 इंच हमारा पहले से है, 2.5 इंच और ले लिया है, तो ये हमारा हो गया 3.5 इंच। और यहाँ से भी मैंने 3.5 इंच लिया है इस तरह,
और यदि आप डीप गला पहनते हैं तो आप ज़्यादा भी नेक कर सकते हैं। और इस तरह हम इसे कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। और अब मैं करती हूँ स्लीव्स कटिंग। ये है स्लीव्स के लिए मैंने 7.5 इंच चौड़ाई कपड़ा लूँगी मैं, और लंबाई मैं स्लीव्स बना रही हूँ 3/4। तो ये देखिए मैंने 34 इंच दोनों स्लीव्स के लिए लिया है, और इसे मैं कट कर देती हूँ। और अब हम इसे इस तरह मोड़ेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, तो यह ऊपर की तरफ मेरा बंद वाला हिस्सा है और नीचे हमारा खुला वाला हिस्सा है जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है 2.5 इंच। अब यह जो हमारी कटिंग हो रही है पीछे के हिस्से के लिए हो रही है, और ये देखिए मैंने 2.5 इंच यहाँ पर और 6 इंच यहाँ लेते हुए अब मैं इसे कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, और आगे के लिए इस तरह गोलाई देते हुए इसको भी मैं कट कर दूँगी। तो इस तरह रख कर हम आगे के स्लीव्स की गहराई को कटिंग कर लेते हैं, और इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।